एक साधु बहुत सारे सामान इकट्ठा किया है घर में, क्योंकि बहुत सारे भक्त आते हैं, बहुत सारे सामान लाते हैं। तो कहां तक बता देंगे, भैया मत लाइए मत लाइए, बहुत कह चुके हैं मत लाइए मत लाइए, तो समझ सकता मत लाइए, हमारे पास हमारे कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ना ना बाबा, थोड़ा सेवा में लगा दे। कहाँ तक सुनते नहीं मानते नहीं, फिर बीच में से थोड़ा दिमाग लड़ाना पड़ता है। तो साधु सोचे कि रहने दो मरन दो, जो सामान है घर में रख दो, कोई आ जाए दे दो, नहीं चल जाए जो भी हो जाए खो जाए जाने दो, जैसे भी हो मुर मत मारो। ये ना ना करने से ये लोग समझते हैं बाबा बहुत त्यागी हैं और ज्यादा करके सामान लाते हैं। हमारे पास ऐसा भी आते हैं, अरे चाहिए नहीं भाई हमको कंबल चाहिए नहीं, ये नहीं चाहिए नहीं, बाबा आप बांट देना आप बांट देना। हम बोला हम बांटेंगे तो आपका नौकरी हमको करना पड़ेगा, क्यों आप ही बांट सकते हैं, आप जैसे पसंद करते हैं जैसे संत हैं, नहीं आपके यहाँ आने से आप ठीक जगह पहुँचा देंगे, बताइए ठीक जगह पहुँचा देंगे, तो यहाँ उनका नौकरी करना पड़ेगा हमको, ऐसा है। तो साधु सामान सट्टा इकट्ठा करना शुरू, निष्प्रिय है निर्लिप्त है, कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी सामान रखे हैं। और बहुत सारे चोर बहुत दिन से देख रहे हैं जो ये घर में बहुत सामान है इसको चोरी करना है। एक दिन आ गए चार पांच चोर, आ करके साधु को बांध करके पटक दिया, समस्त जितना गठरी फुटरी पट रहा है ले करके बाहर रखे हैं, बाहर रख के अब साधु का हाथ पाँव बंधन छुड़ा करके छोड़ के अब जा रहे हैं। अच्छा बाबा जा रहा हूँ, तो सिर्फ कॉपी रह गया और कुछ नहीं रखा है, समस्त कपड़ा लत्ता सब ले गया है। तो बहुत दूर जब गया है तब जाके दिखते हैं बाबा क्या करते हैं, तो बाबा दिख रहे हैं नाच रहे हैं, तू हमारा क्या ले गया है, अभी भी हमारा लाभ है, अभी भी हमारा लाभ है, हमारा तू क्या लेगा, हमारा असल वस्तु तो तूने ले नहीं पाया, तूने नकल ले गया। बोले बाबा हंस रहे हैं नाच रहे हैं, कॉपिन पहन के नाच रहे हैं, बढ़िया हुआ तू तो हमारा असल वस्तु ले नहीं पाया, जानता नहीं है मेरा असल वस्तु, तू तो नकल वस्तु ले गया है। आप चोर लोग सब आ गए हैं, आ करके बाबा को पकड़ लिया, हे बाबा बता बाबा अभी भी तेरा लाभ है, क्या लाभ है, सब ले गया अभी भी तेरा लाभ है, कौन सा वस्तु तेरा है। तो बोलते हैं देख तू तो सब ले गया, देख कॉपिन दिख नहीं, कॉपिन दिख रहा है ना, ये भी हमारा लाभ है, ये भी हम साथ लेके नहीं आया है, ये भी हमारा लाभ है, ये शरीर तक हमको छोड़ के जाना पड़ेगा, ये भी हमारा लाभ है, तू हमारा क्या ले गया, हमारा असल बोलते तेरा असल धन क्या है, बता कहाँ गाड़ के रखा है धन। बोलते है पागल वो असल धन थोड़ी है, असल धन तो हमारा परमार्थ हरि भजन, वो तो तू ले नहीं पाया, वो तो रह गया है, तो असल वस्तु तो तू ले नहीं पाया है। तो अब चोर लोग सोचे भाई ये इतना खुशी है, सब ले गया फिर भी खुशी है, कौन सा वस्तु। तो जा करके पांव पकड़ लिया, बाबा बताओ कौन सा वस्तु है जिस वस्तु पा करके तुम इतना खुशी मना रहे हो। तो कहते हैं देख पागल ये संसार अनित्य है, यह सुख शून्य है, कोई वस्तु पदार्थ तो जीव को पूर्ण रूप से संतुष्ट करने में असमर्थ है, यह है हरि भजन। तब उनके शरण में सब आ गए। तो ये बात है।